दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार आप लिए कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन लेकर आता हूँ, जिनसे कि आपको नॉलेज हो पाए नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग इन्वेंशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप अमेज़न पर जाकर परचेज कर सकते हैं। यानी कि ये टेक्नोलॉजी एकदम अपडेटेड है और आपके लिए अवेलेबल भी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, लेकिन फटाफट न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्लेयर थर्मल कैमरा। दोस्तों, हम लोग अपनी बॉडी की टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर का। अगर बात हो पानी वगैरह की भी, तो उसमें भी वो थर्मामीटर काम कर जाता है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी फर्नेस की बात हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा हीट होती है, ऐसे में ये नॉर्मल थर्मामीटर्स काम नहीं आते। तो दोस्तों, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके की डिवाइसेस को, जिससे कि उसे छुए बिना ही, यानी कि कॉन्टेक्ट में आए बिना ही उसका टेम्परेचर बताया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए, इस तरीके की डिवाइसेस में एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि हम जब उसे पॉइंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो उसका एक्चुअल टेम्परेचर तो बताती है, लेकिन वो किस जगह का है ये हमें पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बनाया गया है इस गैजेट को, जिसमें लगे होते हैं दो लेजर सेंसर्स, और जैसे ही आप इसे किसी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करते हैं, तो ये लेजर सेंसर्स की जगह का ही टेम्परेचर आपको इसकी स्क्रीन पर दिखाएगा। यानी कि ये पूरी होल बॉडी का टेम्परेचर ना दिखाकर सिर्फ उस पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट का ही टेम्परेचर आपको दिखाता है, जिससे कि आप ये इंश्योर हो सकते हैं कि टेम्परेचर एक्चुअल उस जगह का कितना है। तो दोस्तों, इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह में, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जम शूज। दोस्तों, आपने बच्चों को स्केटिंग वगैरह करते हुए तो अक्सर देखा होगा, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है, क्योंकि आ चुके हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जो कि इस फैशन को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि अब नॉर्मल स्केट्स का ना इस्तेमाल करके इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन होते हैं, और साथ ही आप इनका इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस में आने जाने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि ये स्केट्स एक इलेक्ट्रॉनिक स्केट्स होते हैं, जिसमें लगे होते हैं जायरो सेंसर्स, जिसकी मदद से आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। साथ ही इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल स्टंट करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज और काफी ज्यादा मजेदार होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पसंद हो स्केटिंग करना और आप चाहते हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का गैजेट, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ये भी बहुत ही ज्यादा खास रहती है। यहाँ पर आपको ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ और फ्लेम प्रूफ मिल जाता है। साथ ही इसमें अगर राइडिंग टाइम की अगर बात करें, तो आप इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 1.5 घंटा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 8 माइल पर आवर की होती है, जो कि किसी भी स्केट को देखते हुए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगी। साथ ही इसमें डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के भी ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे कि आप फटाफट इसे चार्ज करके फिर से इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इन्हें परचेज करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ल्यूमस एस्टर बैकपैक। दोस्तों, बैकपैक्स का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं और इन्हें हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, तो इस तरीके के बैकपैक को एक सेफ्टी पर्पस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगी होती है LED लाइट, यानी कि राइडिंग करते समय अगर आप चाहें तो इसे अपने एक इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि ये रोड पर चलते समय आपको विजिबल बनाता है, जिससे कि आने जाने वाले लोग आपको आसानी से देख पाए। वहीं दोस्तों, इस बैग में साइड में भी कुछ लाइट लगी होती है, जिससे कि साइड से आने वाले किसको भी आपकी विजिबिलिटी का पता लग सके। और यही नहीं दोस्तों, इस बैग के फ्रंट में भी स्ट्रैप्स लाइट लगी होती हैं, जिससे कि आपके आगे निकलने वाले व्यक्ति भी आपको देख पाए कि पीछे से आप आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ना सिर्फ सेफ्टी के लिए, बल्कि सामान रखने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बैग की खास बात होती है कि आपको यहाँ पर फ्रंट लोड के ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि इसे किसी भी नॉर्मल बैकपैक की तरह आपको ऊपर से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जिसे आप सामने की तरफ से भी खोल सकते हैं और ढेर सारा सामान उसमें रख पाएंगे। वहीं दोस्तों, इसमें एक डिटैचेबल लॉन्ड्री कंपार्टमेंट भी होता है, जिसमें आप शूज वगैरह को रख सकते हैं, जिसे कि आप बाद में आसानी से निकाल कर धो सकें। तो दोस्तों, इस तरीके का बैकपैक काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज को रखने के लिए एक स्पेशलाइज लोकेशन दे रखी होती है। साथ ही लैपटॉप वगैरह को रखने के लिए इसमें एक अलग से सेक्शन दे रखा होता है, जो कि काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं एक मल्टीपर्पज बैकपैक परचेज करना, तो इससे बेहतर शायद ही आपके लिए कोई ऑप्शन हो। नॉक्स गियर ट्रेसर 360।
दोस्तों सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी होती है और आजकल रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सारे नए नए रूल्स बन रहे हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही अवेयर हो अपनी सेफ्टी को लेकर तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस गैजेट जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रात के समय अगर आप राइडिंग करें या वॉक पर निकले तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को आप दिखाई नहीं देते हैं और खास तौर पर तेज रफ्तार से आने वाली गाड़ियों को आप दिखें, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके का गैजेट जो कि आपको विजुअल बनाता है रोड में, जिससे कि लोग आपको देख पाएं और अपनी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। दोस्तों ये एक छोटी सी LED बेल्ट होती है जिसे आपको पहनना होता है और साथ में इसके बैक सेक्शन पे एक बड़ा सा LED पैनल लगा होता है जो कि काफी बड़ी ब्राइट LED लाइट होती है। तो दोस्तों जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं रनिंग करते समय या साइकिलिंग करते समय तो ये आपको विजिबल बनाता है रोड में। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी रोड सेफ्टी को देखते हुए और साथ ही ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने और अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो तो इस तरीके का गैजेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूमस हेलमेट। दोस्तों आजकल हेलमेट को लेकर काफी ज्यादा सख्ती चल रही है, ऐसे में आप राइडिंग करते वक्त बिना हेलमेट के निकल ही नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये सही भी होता है क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी होती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक खास तरीके का हेलमेट होता है जिसमें 48 LED लाइट्स लगी होती हैं। ये LED लाइट आपको एक हल्की फुल्की रोशनी तो देते ही हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक टर्निंग सिग्नल्स के भी रूप में कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल मिलता है जिसकी मदद से आप आसानी से इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों ये एप्पल वॉच जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप एप्पल वॉच जैसी स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते हो तो उसकी मदद से भी इसकी लाइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरीके से आप मुड़ते वक्त साइड के लिए हाथ देते हैं, अगर आप उन हाथों में एप्पल वॉच जैसी स्मार्ट वॉच पहने हो तो ये खुद ब खुद उसी साइड के इंडिकेटर को ऑन कर देता है, जिससे कि आपको इसे ऑन एंड ऑफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इस तरीके का एडवांस गैजेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ना सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए बल्कि ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना है कुछ ऐसी अमेजिंग इन्वेंशंस के बारे में जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ अमेजिंग गैजेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।